और मेरे चटोरों, कैसे हो आप? आज मैं आपके लिए आपके सामने लेकर आई हूँ क्रीमी और स्मूथी कॉफी मार्केट जैसी, और वो भी बिना मशीन के। बारिश के मौसम में इसको पीने का मजा कुछ और ही होता है, बहुत अच्छी लगती है। चलिए आइए देखते हैं हम इस कॉफी को कैसे बनाते हैं। चलिए आइए हम कॉफी बनाना स्टार्ट करते हैं, और कॉफी बनाने के लिए हम किस किस चीज की जरूरत होगी आइए चले देखते हैं। मैंने ये कॉफी ली है, ये टॉप्स का चॉकलेट पाउडर लिया है। अगर आपके पास टॉप्स का चॉकलेट पाउडर नहीं है या किसी और दूसरे कंपनी का है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास नहीं है तो भी उसके बिना भी कॉफ़ी बन जाती है, लेकिन इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी कॉफ़ी बनती है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। और मैंने यहाँ शक्कर ली है, शुगर, और मैंने 50 ml मैंने पानी ले लिया है, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इतना सा ही लिया है। और 2 कप कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने 1 ग्लास दूध लिया है। और कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे मेन जो चीज़ ज़रूरी होती है, हमें इस टाइप की बोतल की ज़रूरत होती है जिसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ हो, चौड़ा हो, जिसमें हमें सामान डालने में आसानी रहे और हमारा सामान बाहर ना फैले। ठीक है, सबसे पहले एक भगोनी लेंगे और उसमें हम ये 1 ग्लास दूध डाल दिया हमने, और ये इसको गर्म होने चढ़ा देंगे। इसको हम अच्छे से अच्छा बॉईल करेंगे, इसमें बहुत अच्छा बॉईल होगा तभी हमारी कॉफ़ी बहुत अच्छी बनेगी और बहुत अच्छी उबाली आएगी, तो ये इसमें अच्छी मलाई आएगी और हमारी कॉफ़ी गाढ़ी बनेगी। ये हमारा जब तक दूध बॉईल हो रहा है तो हम कॉफ़ी मार्केट जैसी क्रीमी और स्मूथी बनाने के लिए हम तैयारी करते हैं। तो मैंने ये देखिए 1.5 चम्मच मैं इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी डाल दूंगी, ये 1.5 चम्मच मैंने इसमें कॉफ़ी डाल दिया है। और शक्कर आप अपने स्वाद अनुसार इसमें डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप कम मीठी अच्छी लगती है तो आप शक्कर कम डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 ही चम्मच शक्कर डाली है, क्योंकि कॉफ़ी मैश करने के बाद, हिलाने के बाद, उसको शेक करने के बाद ये बहुत फूलती है, और मैंने इसमें थोड़ा सा देखिए मामूली सा पानी डाला है। अब हम इसको शेक करेंगे, देखिए मैंने इसका ढक्कन लगा दिया है और हम इसको ऐसे तेज़ हम इसको शेक करेंगे, और हमको इसमें अभी हमने इतना सा पानी डाला है, थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट ऐसे शेक करने के बाद इसमें हम फिर वापस पानी डालेंगे। ये देखिए ऐसे जोर जोर से इसको शेक करना है। देखिए हमने ये कॉफ़ी को 2 मिनट मैंने इसको ऐसे शेक किया है तो हमारी कॉफ़ी घुलने लगी और इसका कलर चेंज होने लगा है। तो अब हम इसको ढक्कन को खोलकर और हम वापस से थोड़ा सा पानी और डालेंगे, और मैंने अभी 2 मिनट चलाया है, हमको पूरी कॉफ़ी को 5 मिनट तक चलाना है, इसको ऐसे शेक करना है, और हमें 3 मिनट वापस से इसको ऐसे शेक करूंगी जब तक ये इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और ये अच्छे से फूल नहीं जाती है, तब तक हमें इसको चलाना है। देखिए हमारी कॉफ़ी का कलर बिल्कुल एकदम चेंज हो गया है, शक्कर और कॉफ़ी बहुत अच्छे से घुल चुकी है, और यही प्रोसेस इसका सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमने अच्छे से 5 मिनट इसको शेक किया है, इसीलिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हुआ है, और इसी से स्मूथी और क्रीमी कॉफ़ी बनेगी। अब देखिए इधर हमारा ये दूध भी बॉईल हो चुका है, अब हम इस दूध सबसे पहले इसको कॉफ़ी को डालेंगे इसमें। इसमें नीचे हम कॉफ़ी को, ये जो हमने ये बनाया है इसको हम पहले इसमें बिछाएंगे। ये देखिए मैंने इसको इसको बिछा दिया है, ये अच्छे से इसमें बिछ गया है। अब हम इसके ऊपर गरम गरम जो हमने बॉईल किया है उस दूध को हम इसमें डालेंगे, थोड़ी ऊंचाई से डालेंगे जिससे इसमें अच्छे से ये घुल जाएगी। ये देखिए अब मैं वापस से इसमें ऊपर से इसको कॉफी को और डालूंगी। ये देखिए ये मैंने इसमें कॉफी और डाल दी है, इसमें झाग आया है अच्छा सा, क्रीमी बनी है, स्मूथी दिख रही है ना। अब इसकी हमारी कॉफी बनकर तैयार हो चुकी है, और अब हम इसमें टॉप्स का ये चॉकलेट पाउडर डालूंगी मैं थोड़ा सा इसमें। ये देखिए आप देखिए कितनी क्रीमी और स्मूथी कॉफी बनी है हमारी, कितना अच्छी लग रही है, देखने में भी अच्छी लग रही है, तो पीने में टेस्टी क्यों नहीं होगी। ये जो कॉफी हमने बनाई है इसे आप भी घर पर बनाकर ट्राई कीजिए कि कॉफी कैसी बनी, और मुझे कमेंट्स बॉक्स के थ्रू जरूर बताइए कि आपकी कॉफी कैसी बनी है। और इसी तरीके से आप नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। थैंक यू।